बंदे को नॉकडाउन कर लिया, सोल की फाइट टिन होती हुई दिख रही है, एंडी के प्लेयर ने फिनिश ऑफ कर दिया मेरे हिसाब से। ओआरबी के प्लेयर भी सोल के साथ फाइटिंग लेते दिख रहे हैं, जो कि पीछे के साइड कर रहे हैं, एक किल कंफर्म कर लिया। आईएनएस की स्क्वाड भी रोटेशन दे रही है, तो काफी रोटेशन के टाइम पे टीम जो है सोल यहाँ पे किल जो है स्टिल कर सकते हैं इजिली। एजियो की स्पॉट, एजियो के प्लेयर स्पॉट इन होते हैं, सेनाजी की स्क्वाड क्लोज इन करते दिख रहे हैं, एलएस की स्क्वाड के प्लेयर नॉकडाउन होते दिख रहे हैं प्लेयर से। लेक्सटम की प्लेयर ने मेरे हिसाब से एक बंदे को नॉकआउट किया है, तो भाई क्या बसंत मच रहे, कहाँ पे बंदे मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेगल तो उसने यहाँ पे एजियो के क्लाउन को नॉकडाउन कर लिया, सारे के सारे प्लेयर भाई केओस हो चुका है, पे पूरा का पूरा गेम क्योटिक होता हुआ दिख रहा है। अलादीन यहाँ पे स्पॉटिंग करने के ट्राई कर रहे हैं, अलादीन यहाँ पे मानो को नॉकडाउन कर दिया, यहाँ अलग ही फाइट चल रही है। कुछ P7 के स्क्वाड फिलहाल के तीन बंदे जोन में, मेरा आईफोन 11 ग्लिच होता हुआ दिख रहा है, पूरा का पूरा हैंग होता हुआ दिख रहा है, जहाँ इतने सारे बंदे इतने छोटे जोन में हमें रोटेशन दिखा रहे हैं। सोल के सांगवान यहाँ पे BFR के फीबो को नॉकडाउन कर लिया गया और फिनिश ऑफ भी कर दिया, तीन किल उनके कंफर्म होते हुए। जॉनसन को यहाँ पे स्पॉटिंग करके टपाटप देने की ट्राई कर रहे हैं, रेगल तो उस पर कामयाब नहीं रहेंगे। INT के स्लेयर जैसा कि देख सकते हैं NTT के नियो को नॉकडाउन कर दिया, NTT की स्क्वाड भी थोड़ा बहुत दिक्कत में आते हुए दिख जाएंगे, NTT के घातक की भी काफी लो हेल्थ है। नियो को रिवाइव मिल पाता है कि लेक्सटम के प्लेयर मेरे हिसाब से नॉकआउट होते, लेक्सटम की स्क्वाड थोड़ा बहुत दिक्कत में हमें देखने को मिल रहे। P7 के प्लेयर लेक्सटम के मेरे हिसाब से पूरी की पूरी स्क्वाड को वाइप डाउन करते हुए दिख रहे हैं हमें। सो लेट्स सी लेक्सटम की स्क्वाड अभी भी जिंदा है कि नहीं, या फिर मेरे हिसाब से फिनिश ऑफ हो गए। 10 स्क्वाड टोटल बाकी है यहाँ पे और पूरी की पूरी लाइक बसंत वाली फाइट हमें देखने को मिल रही है। मॉर्टल ने यहाँ पे P7 के वैम्पी को नॉकडाउन कर लिया गया, सोल की स्क्वाड काफी सारे किल जो है अपने पॉकेट में लेते हुए दिख रहे हैं। 5 किले पहले दिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, पर आई होप तो आज के दिन में वो इजिली कर पाएंगे। स्क्वाड को मेरे हिसाब से रेगल तो उसने स्पॉटिंग किया है स्कोप में और नॉकआउट भी कर दिया, वाइपर ने काफी प्यारा नॉकडाउन आते हुए दिख रहा है और इसी के साथ और एक किल कंफर्म अपने पॉकेट में लेते हुए दिख रहे हैं। सोल की स्क्वाड 6 किल ऑलरेडी उनके पास कंफर्म डाउन हो चुके हैं। जॉनथन ने मेरे हिसाब से एक बंदे को नॉकडाउन किया, एनएस के स्क्वाड यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे किल फेड में। ओआरबी के प्लेयर एक सिंगल प्लेयर अक्कू जो है लास्ट में स्टैंडिंग रहते हैं, यहाँ पे काफी क्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं टीम उनके पीछे, आईएनएस के अलादीन हमें देखने को मिलते। सांगवान ने BFR के काशी को नॉकडाउन कर दिया, 7 किल ऑलरेडी होते हुए दिख रहे गेट कीपिंग के द्वारा। एंटिटी की स्क्वाड भी जोर में आ जाएगी, सो एंटिटी और सोल की ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और काफी लंबी भी ये फाइट चल चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आए थे दोनों ही प्लेयर एक दूसरे से फाइट ही ले रहे थे। अलादीन ने यहाँ पे और भी अक्कू को फिनिश ऑफ कर दिया, 6 टीम और 14 बंदे हमारे पास यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ST की स्क्वाड काफी ज्यादा जोन का डैमेज लेते दिख रहे, INT के भी प्लेयर अकेले बाकी। सांगवान ने यहाँ पे नियो को नॉकडाउन कर लिया गया, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हिम, काफी इंटरेस्टिंग अभी ये फाइट रहेगी। सोल वर्सेस एंटिटी, क्या लगता है आपको कौन से प्लेयर जीत पाएंगे? यहाँ पे मॉर्टल ने INS के अलादीन को फिनिश ऑफ कर दिया, काफी प्यारा M249 यहाँ M24 यूज करते हैं, M249 नहीं M24 यहाँ यूज इन करते हुए दिख जाएंगे। मॉर्टल जॉनथन ने यहाँ पे वाइपर को नॉकडाउन कर दिया है, सो ट्रेड आते हुए दिख रहे दोनों ही प्लेयर के तरफ से। सो ये फाइट लेजेंड फाइट है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए। मिस्टिक की स्क्वाड और INT के प्लेयर मेरे हिसाब से यहाँ पे पीछे से शॉट इन देने की ट्राई कर रहे हैं, घातक मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर स्पॉट हो रहे हैं। INT के प्लेयर मेरे हिसाब से जोन के बाहर हील बैटल कर रहे हैं, यस वो हील बैटल कर रहे हैं, 3 फर्स्ट एड लास्ट बाकी है पर वो कुछ ज्यादा पोजिशन तक अपनी टीम को ले नहीं पाएंगे। मिस्टिक 7 की स्क्वाड जहां पे देखे तो 3 किल उनके पास है, BRDM में हमें देखने को मिलेंगे और एक बंदा BRDM के बाहर है, इजीली होल्ड इन करेगा। स्लेयर जोन में जाने की ट्राई करके एक आध प्लेयर को जो है नॉकडाउन करके जा सकते हैं जब यहां पे उनकी लास्ट फर्स्ट एड यूज इन हो जाएगी। यस यहां पे एक प्लेयर को स्पॉटिंग करने की ट्राई करेगा या फिर स्लेयर जो है वो बैरली जोन में भी आ जाएंगे, ये स्लेयर बैरली जोन में आ जाएंगे। सैफ यहाँ पे स्पॉटिंग करते हैं और एक किल कंफर्म कर लेंगे, इजी पीजी फ्री किल मिलता हुआ दिख रहा है टीम मिस्टिक 7 की स्क्वाड को। 3 स्क्वाड यहाँ पे बाकी रहते हैं और 10 बंदे यहाँ पे 4v3 फाइट है। रेगल तो यहाँ पे स्पॉटिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, रैंडम फायर किया सैफ के ऊपर कनेक्ट हुआ पर दूसरी साइड से रेगल तो उसको पढ़ते हुए दिख रहे हैं। टपाटप जॉनथन और बाकी प्लेयर्स की तरफ से घातक जो है वो अच्छी एक उन्होंने पोजिशन बना ली अपने लिए, घातक के ऊपर शॉट्स आते हुए दिख जाएंगे। लेट्स सी घातक यहाँ पे सर्वाइव कर पाते कि नहीं, टायर फोड़ दिया घातक ने बगी का AKM के साथ, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बाकी सोल की स्क्वाड को भी जोन में जाना है, एंट्री के बाकी प्लेयर्स को भी जोन में आना है। मिस्टिक 7 के ऊपर वो मेरे हिसाब से क्लोज इन करे तो थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। मिस्टिक 7 की स्क्वाड जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी BRDM उनके पास काफी अच्छी कवर में हमें देखने को मिलती है, स्मोक वॉल बना लिए। रेगल तो आगे लीड करते हुए दिख रहे हैं, एक आध नॉक क्रूशल नॉक मिल जाए रेगल तो उसको तो कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। सैफ को यहाँ पे स्पॉटिंग करने की ट्राई किया, सैफ यहाँ पे लेट्स सी क्या करे, सैफ यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाएंगे, काफी प्यारा नॉकडाउन रेगल तो उसके तरफ से हमें आता हुआ दिखता है। लेजेंडरी सर्कल हो सकता है एंटिटी वर्सेस सोल की, ये फाइट डाउन इंटरेस्टिंग रहेगी। मॉर्टल नॉक ने मॉडल को रिवाइव करना थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, सैफ जो है वो अपने टीममेट जो है उनको रिवाइव देंगे वॉल्ट्स मेरे हिसाब से। NTT वर्सेस सोल वर्सेस टीम मिस्टिक 7, मॉडल को रिवाइव देना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर रिवाइव मिल जाएगा। ये सांगवान आ चुके हैं रिवाइव के लिए, रेगल तो यहाँ पे NTT के प्लेयर्स को स्पॉटिंग करने के जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट फेज हमें बनता हुआ दिख जाएगा, 3 टीम और 10 बंदे, काफी इंटरेस्टिंग ये जोन उलता हुआ दिख रहा है हमें। और टीम्स जो है सोल की स्क्वाड अगर ये चिकन डिनर लेती है तो स्कोर बोर्ड के टॉप में भी वो आ सकती है। 8 किल ऑलरेडी उनके आते हुए दिख रहे हैं और रेगल तो उसको नॉकडाउन किया NTT के जॉनथन ने। फिलहाल के लिए तो NTT की और सोल की है भाई इंटरेस्टिंग बहुत फाइट होने वाली
वाली है। मिस्टिक सेवन की स्क्वाड यहाँ पे चिकन डिनर भी हासिल कर सकते हैं। मॉर्टल की तरफ से एक नॉकडाउन आता हुआ दिख रहा है, काफी प्यारा वोल्ट्स की तरफ ग्रेनेड आता हुआ दिख रहा है। जॉनाथन यहाँ पे रेगल तो उसको फिनिश ऑफ कर दिया और सांगवान भी यहाँ पे नॉकडाउन होते दिखते हैं। क्या यहाँ पे एंटिटी की स्क्वाड क्लोजिंग करते हैं, मॉर्टल भी यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे। जॉनाथन यहाँ पे टपा टप ग्रेनेड देते हुए दिख रहे हैं, गाता क्लोजिंग करते हुए दिख जाएंगे। वाइपर लास्ट का स्टैंडिंग फ्रॉम टीम सोल, मिस्टिक सेवन की स्क्वाड भी पीछे से देखने को मिल रही है। वाइपर चाचा ने यहाँ पे एक बंदे को नॉकडाउन किया और इसी के साथ सोल की स्क्वाड यहाँ पे वाइप डाउन होते दिख रहे हैं एंटिटी के द्वारा। मिस्टिक की तरफ से दो बंदे बाकी है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन सिक्योर कर लिए उन्होंने, चार किल भी ऑलरेडी हमें उनके पास देखने को मिल रहे हैं। एंटिटी की स्क्वाड क्लोजिंग करते हुए दिख जाएंगे। 3v2 फाइट यहाँ पे एक बंदा नॉकआउट होता है, वोल्ट्स इज द लास्ट का स्टैंडिंग जिनके ऊपर क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है एंटिटी की तरफ से। नियो को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया और इसी के साथ एंटिटी की स्क्वाड काफी प्यारा सा चिकन डिनर अपने पॉकेट में लेते हुए दिख जाएंगे। टोटल भाई टपा टप जॉनाथन ने 10 किल कब ले लिया भाई, पता ही नहीं चला यहाँ पे भाई। ओपी जॉनाथन भाई, 10 किल टोटल अकेले के उनके, लेट्स गो भाई। क्या परफॉर्म